हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर पर। और आप और देखना आप शुरू देख कर चुके हैं हमारा एंगुलर 13 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एंगुलर में जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सा फाइल और फोल्डर क्रिएट होता है, किस फाइल को कैसे यूज करते हैं और किस फाइल का रेफरेंस कहाँ पर होता है, इन सारे चीज़ों को हमने डिटेल्स में देखा। किस फोल्डर में हमें क्या रखना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया। हमने पिछले वीडियो में बोला था कि पैकेट डॉट जेसन फाइल और पैकेट लॉक डॉट जेसन फाइल के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होते हैं दोनों। इसके बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और एज ए डेवलपर आपको इसके बारे में डीपली नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए आज जो आपके लिए पास जो वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें हम ये देखेंगे कि पैकेट डॉट जेसन फाइल और पैकेट लॉक डॉट जेसन फाइल का क्या कंसेप्ट होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इसका कितना इम्पोर्टेंस है आपके एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो ये प्रोजेक्ट है जिसको हमने क्रिएट किया था, जिसमें हमने फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझा था पिछले वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं आज इन दोनों फाइल के बारे में, पैकेज डॉट जेसन फाइल और पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इन दोनों का फाइल के नेम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये दोनों पैकेज को कंटेन करके रखेंगे, मतलब कि ये वो फाइल हैं जिसमें पैकेज के इन्फॉर्मेशन होंगे, पैकेजेज के। ठीक है, तो क्योंकि इसका नेम ही पैकेज डॉट जेसन फाइल, पैकेज होंगे, पैकेज का इंफॉर्मेशन होगा और जेसन फॉर्मेट में होगा। दैट्स इट, नेम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अब चलिए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले हम पैकेज और जेसन फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको समझने में आसानी हो जाएगा पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बता रखा है पिछले वीडियो में कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे डिफॉल्ट पैकेजेज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हो जाते हैं फॉर डेवलप योर एप्लीकेशन, जिसे हम एप्लीकेशन को डेवलप करने में यूज करते हैं, हेल्प मिलता है। ठीक है, तो जितने सारे पैकेजेज इंस्टॉल्ड होते हैं उनका जो फोल्डर बनता है वो नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर बनता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, नोड मॉड्यूल फोल्डर जो है एक कंटेनर है पैकेजेज के फोल्डर के, जो आपके सिस्टम में सॉरी जो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हैं या फिर इंस्टॉल्ड किए जाएंगे यूज करने के लिए, सारे फोल्डर इसमें बनेंगे। अब बात है कि जब प्रोजेक्ट में कोई पैकेज इंस्टॉल्ड होता है या फिर हम थर्ड पार्टी कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे, उसका जो नेम है वर्जन के साथ उसका इन्फॉर्मेशन इस पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर रहेगा, पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर। अब दोनों के अंदर रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम फाइल है, दोनों में डिफरेंसेज है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि इतने सारे पैकेज इंस्टॉल्ड हो चुके हैं। ठीक है, पैकेजेज, उसके डिपेंडेंसीज, उसके डिपेंडेंसीज, उसके डिपेंडेंसी, मतलब आज ये कोई पैकेज इंस्टॉल हो रहा है उसका डिपेंडेंसी है किसी दूसरे पैकेज पर तो वो भी इंस्टॉल होगा, और उसका भी कोई डिपेंडेंसी है दूसरे पैकेज वो भी इंस्टॉल होगा, सारा फोल्डर इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे सबसे पहले पैकेज और जेसन फाइल के बारे में। इसको देख आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा ऊपर में नेम, जो पैकेजेज का नेम होगा, वर्जन, सॉरी पैकेज का नेम, ये आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट का वर्जन। ठीक है, उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट दिए हुए हैं, एनजी मतलब एंगुलर होता है, एनजी सर्व सर्व करने के लिए, टेस्ट बिल्ड करने के लिए, बिल्ड बिल्ड करने के लिए, टेस्ट आपके एप्लीकेशन को टेस्ट मोड में ओपन करने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कमांड चला चला कर। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कि दो सेक्शंस बने हुए हैं, एक डिपेंडेंसी सेक्शन और एक डेव डिपेंडेंसी सेक्शन, और दोनों सेक्शन के अंदर कुछ पैकेजेज के नेम दिए हुए हैं विद वर्जन, मतलब कि एनिमेशन पैकेज उसका वर्जन ये है, कॉमन उसका वर्जन ये है, कोर इसका वर्जन ये है, कंपाइलर उसका वर्जन ये है। ठीक है, और सारी जगह आप 11.11 दिख रहा है, तो इससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है एंगुलर 11 में क्रिएट किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज के बारे में। देखिए, डिपेंडेंसीज का मतलब कि इसके अंदर जितने भी डिपेंडेंसीज है, जितने भी पैकेजेज हैं और उनके वर्जन हैं, ये आपके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। जब आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन सर्वर पर जाएगा तो उसके लिए यहाँ पर इतना पैकेजेज दिया गया है कि ये वहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, लेकिन
जब आप एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे होंगे तो उसके लिए अलग सेक्शन दिया हुआ है, डेव डिपेंडेंसीज, ठीक है। इसके अंदर जितने पैकेजेज और वर्जन नेम दिए हुए हैं वो आपके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा होगा कि डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पैकेजेज की ज़रूरत है और प्रोडक्शन के लिए कम ही ज़रूरत है, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट करते टाइम तो हमें एक्स्ट्रा जैसे टेस्टिंग वगैरह का पैकेज जरूरत है, जैसे कर्मा, कर्मा क्रोम लॉन्चर, कर्मा, ये सब, जैसे जैसमिन फ्रेमवर्क का पैकेज, ठीक है। तो ये सब टेस्टिंग कब क्या आता है, जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, इसका जरूरत तो होता नहीं हमारे प्रोडक्शन पर, क्योंकि वहाँ पर लाइव चलने लगता है एप्लीकेशन, तो ये सारे पैकेजेज वहाँ पर नहीं जाते हैं, यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको प्रोडक्शन वाले में, डेवलपमेंट वाले में सारे पैकेज मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि डिपेंडेंसीज क्या होता है प्रोडक्शन के लिए, और डेव डिपेंडेंसीज होता है आपका डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि क्या इतने सारे जो पैकेजेज हम यहाँ पर लिखते हैं, तो सारे पैकेज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसका आंसर होगा, ठीक है। मान लीजिए हम कोई एक पैकेज का नेम दे दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पैकेज इंस्टॉल हो गया, यहाँ पर कोई पैकेजेज का नेम देकर यहाँ पर npm इंस्टॉल करेंगे तो वो पैकेज इंस्टॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो पैकेज नेम दिए हुए हैं ये बताता है कि इतने सारे पैकेजेज आपके प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जरूरी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप सबको ईजी कर ही रहे, ठीक है। जो पैकेजेज आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुके हैं उसका जो रेफरेंस है वो आपको पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल में मिलेगा। लॉक का मतलब ही है कि ये पैकेज लॉक कर लिए गए हैं, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये पैकेजेज हैं, लेकिन आफ्टर इंस्टॉलेशन जो पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं उनका इन्फॉर्मेशन पैकेज लॉक डेसन फाइल के अंदर मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो बहुत सारे इतने ही पैकेजेज का नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा फाइल, देखिए कितना बड़ा फाइल है, इतने सारे पैकेजेज के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको भी अच्छे से समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब npm इंस्टॉल कर रहा होता है इन सारे पैकेजेज को, तो मान लीजिए इस एंगुलर CLI को पैकेज को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करते टाइम इसको मिल गया कि CLI का कोई एक डिपेंडेंसीज भी है। डिपेंडेंसीज क्या होता है कि मतलब CLI को प्रॉपर वर्क करने के लिए एक और पैकेज की जरूरत है, ठीक है, तो उसको भी इंस्टॉल करेगा। अब मान लीजिए उस डिपेंडेंसीज का भी कोई डिपेंडेंसीज है तो उसको भी इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक पैकेजेज का जितने सारे डिपेंडेंसीज होते हैं उनको भी इंस्टॉल करते जाता है npm, जो नोड पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है। और उसका सबका रेफरेंस यहाँ पर बनाया जाता है, जैसे आप चेक करेंगे CLI को कॉपी कीजिए यहाँ से, ठीक है, और पैकेज लॉग जेसन फाइल में चलिए, यहाँ पर CLI को सर्च कीजिए, वहाँ पर एक लाइन में CLI था, यहाँ पर देखिए CLI यहाँ पर मिल गया, देखिए वही वर्जन है यहाँ पर। अब देखिए इस CLI सेक्शन के अंदर देखिए कितने सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है, इतने सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि CLI, देखिए अब यहाँ तक पूरा CLI में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, ये सब CLI में इंस्टॉल हुआ है, यहाँ तक तो मतलब कि इतना पैकेज तक CLI के लिए इंस्टॉल हुआ है, इतना सारा, देखिए इतना सारा जितने मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ से कॉमन पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि लॉक डॉट जेसन फाइल में लॉक कर लिया जाता है उन सारे पैकेजेस को जो आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुके हैं, और इतने सारे ही फोल्डर यहाँ पर बने हुए हैं नोड मॉड्यूल में, जितना यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है सबका फोल्डर नोड मॉड्यूल इसमें बने हुए हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि पैकेज जेसन फाइल में पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन होते हैं, लेकिन जो पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं उनका इन्फॉर्मेशन पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल में हो जाता है, मतलब उस पैकेजेस को लॉक कर लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बता रहा था कि नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं पैकेजेस के, तो बहुत हेवी फोल्डर हो जाता है, तो अगर आप इसको डिलीट भी कर देते हैं और डिलीट करके ये प्रोजेक्ट को किसी को शेयर कर देते हैं, ठीक है, तो वो अगर यहाँ पर लिख देते हैं कि npm इंस्टॉल, ठीक है, और इंटर हिट करते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल और इंटर हिट करते हैं, तो क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल से ये सारे पैकेज उठाएगा, ठीक है, npm, और फिर से सबको इंस्टॉल करना शुरू करेगा, देखेगा कि नोड मॉड्यूल है ही नहीं, सबको इंस्टॉल करेगा, ठीक है, उनका फोल्डर बनाएगा, नोड मॉड्यूल का फोल्डर बनाकर उसके अंदर सारे फोल्डर बना देगा, ठीक है, और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल को अपडेट कर देगा, ठीक है। अब बात आता है कि ये मान लीजिए कि तो डिफॉल्ट पैकेज है, मान लीजिए हम आपने कोई थर्ड पार्टी भी पैकेज इंस्टॉल किया और नोड मॉड्यूल का फोल्डर को अपने डिलीट कर दिया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँ जैसे npm इंस्टॉल, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप का भी नेम यहाँ पर पैकेज और जेसन फाइल में आ जाएगा, देखिए बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए इंस्टॉल होते ही बूटस्ट्रैप का भी नेम आ जाएगा, उसका भी फोल्डर इसके नोड मॉड्यूल के अंदर बन जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो बूटस्ट्रैप का बी में आएंगे यहाँ पर, तो बूटस्ट्रैप का कोई भी फोल्डर नहीं बना हुआ, देखिए बी इतना ही है, अभी तुरंत इसको इंस्टॉल होते ही उसका फोल्डर बन जाएगा और उसका नेम यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिलीट भी कर देंगे इस फोल्डर को, तो यहाँ पर तो उसका रेफरेंस मिल ही जाएगा npm को, अगली बार जब आप npm इंस्टॉल करेंगे तो,
ठीक है, तो क्या होगा, तो उसको भी इंस्टॉल कर देगा, उसका भी फोल्डर बना देगा। तो इसका ये कंसेप्ट होता है, ये इंटरनल चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, इसलिए आप किसी को माइंड में रखेंगे। देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ये जैसे ही ये प्रोग्रेस बार यहाँ तक आ जाएगा तो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कहाँ पर किसका रेफरेंस होता है, कैसे होता है। अब हम देखेंगे, एक मिनट देखिए, इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बूटस्ट्रैप का जो पैकेज का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ऐड हो चुका है, देखिए ऐड हो गया। ठीक है, अब इसका फोल्डर जो है इसके अंदर बन गया होगा। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर आप आएंगे यू में, सॉरी बी में, तो बी में आपको बूटस्ट्रैप का फोल्डर दिख जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, इसमें आपको बूटस्ट्रैप, देखिए बूटस्ट्रैप का फोल्डर बन गया। इसके अंदर इतने सारे फोल्डर्स बन गए, सी एस एस, बूटस्ट्रैप के जितने सारे सी एस एस भी आ गए, तो इंस्टॉल हो गया। तब इसको डिलीट भी कर देंगे तो यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन है ही ना, जब एनपीएम इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ से पिक करेगा, फिर से इंस्टॉल करके कर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर, अब मान लीजिए कोई पैकेज आपको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, तो उसको भी कर, मान लीजिए इसे बूटस्ट्रैप को ही अनइंस्टॉल करना है। देखिए इसको यहाँ पर बूटस्ट्रैप है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिखूंगा, एनपीएम अन इंस्टॉल, ठीक है, बूटस्ट्रैप। तो देखिए ये बूटस्ट्रैप जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, ये पैकेज केवल आपके इसी प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो रहा है। देखिए इंटर हिट करूँगा, ठीक है, तो अब ये अनइंस्टॉल होना शुरू करेगा और यहाँ से ये फोल्डर गायब कर देगा और ये यहाँ से लाइन हटा देगा। तो इस तरीके से पैकेज और जेसन फाइल को यूज करता है एनपीएम। इसको मैनेज कौन कर रहा है, एनपीएम, एनपीएम का मतलब क्या होता है, नोट पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो ये सारे इंटरनल देखिए यहाँ से हट गया, बूटस्ट्रैप का नेम हट गया यहाँ से, और यहाँ पर देखिए इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये भी गायब हो जाएगा। अब जाकर देखेंगे तो इस फोल्डर से बूटस्ट्रैप का फोल्डर गायब, देखिए बूटस्ट्रैप का फोल्डर गायब हो गया, नहीं गायब। ठीक है, तो ये मतलब होता है पैकेज और जेसन फाइल का। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और डिस्कस करेंगे अभी, कि आपको यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है टिल्ड का साइन, कहीं पर आपको कैरेट का साइन दिख रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई वर्जन किसी भी एप्लीकेशन का, किसी सॉफ्टवेयर का वर्जन रिलीज किया जाता है, तो उसको सिमेंटिक वर्जन वर्जन के अंतर्गत उसका वर्जन नेम रखा जाता है। सिमेंटिक वर्जन में 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, ये 3 डिजिट, जैसे 11.0.2, तो पहले वाले डिजिट को हम बोलते हैं मेजर, बीच वाले को बोलते हैं माइनर, और लास्ट वाले को हम बोलते हैं पैच। मेजर का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा वर्जन चेंज हो गया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेज आए हुए हैं। माइनर का मतलब होता है कि अगर इसमें चेंज होता है तो मान लीजिए कि कुछ छोटे मोटे स्मॉलर चेंजेज आए हुए हैं, और पैच का मतलब होता है कोई बग है तो उसको फिक्स करके रिलीज किया जाता है, तो इसमें चेंजेज आते रहते हैं हमेशा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं 11.0.2, कुछ दिन बाद अगर आप सीएलआई इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि कोई छोटा मोटा रिलीज आ गया हो इसमें बीच वाले में, या फिर कोई बग फिक्स करके डाल दिया गया, तो ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा जब तक कि नया वर्जन नहीं आएगा। मान लीजिए 12 आएगा तब ये 12 लिखा हुआ रहेगा, ये दोनों चेंज होते रहते हैं सेम वर्जन में भी। ठीक है, यहाँ पर टिल्ड और कैरेट लगाने का क्या मतलब है, टिल्ड और कैरेट लगाने का मतलब ये होता है कि जब आप एनपीएम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम आपके लैप, देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम या एनपीएम इंस्टॉल करते टाइम आपके प्रोजेक्ट लैपटॉप में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए, तभी एनपीएम प्रॉपर काम करेगा, क्योंकि इतने सारे पैकेजेज नेट से ही लेता है, इंटरनेट से लेगा और आपके लैपटॉप में इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो जब एनपीएम चलाते हैं तो इस पैकेज को मान लीजिए इंस्टॉल करने आया एनपीएम, तब यहाँ पर देखिएगा टिल्ड लगा हुआ है, तो ये टिल्ड का मतलब होता है कि लास्ट वाले डिजिट में चेक करेगा इंटरनेट पर क्या कुछ बग फिक्स करके डाले गए हैं, क्या 2 के जगह पर 3, 4, 5, 6 आ गया है क्या। ठीक है, तो उसको ये चेक करेगा, अगर अवेलेबल है तो उसको इंस्टॉल कर देगा, अवेलेबल नहीं है तो फिर इसी को इंस्टॉल कर देगा। अपर वर्जन मतलब लास्ट वाले डिजिट का अपर वर्जन, और जहाँ पर कैरेट लगा हुआ है उसमें 2 पार्ट को चेंज करेगा, ठीक है, माइनर और पैच, क्या 11 से ऊपर का कोई वर्जन आ गया है या फिर 1 से ऊपर का वर्जन आ गया, इन दोनों डिजिट में कोई हायर वर्जन आया हुआ है, मतलब कोई और भी स्मॉलर फीचर आए हुए हैं या कोई बग फिक्स किया गया है, तो अगर ये दोनों को चेक करके इसके अपर लेवल का कुछ होगा तो उसको इंस्टॉल कर देगा, अगर नहीं है तो यही अलग करेगा। अगर मान लिया किसी पैकेज को आपने इस तरीके से हटा दिया, कुछ नहीं दिया आपने, तो एग्जैक्ट यही मिलेगा तभी इसको इंस्टॉल करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो इंस्टॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए
कैरेट और टिल का साइन लगा कर रखा जाता है ताकि अगर कुछ नया चीज़ आया हुआ हो तो इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, हम वर्जन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वर्जन चेंज कर देंगे तो नया चीज़ आएगा तो जो पुराने काम आपने किया हो सकता है काम करना बंद कर दे। इन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि बग फिक्स किया गया तो आपके लिए सही है, आपके एप्लीकेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई थोड़े छोटे मोटे फीचर्स भी आए हुए हैं तो उनको भी कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है टिल और कैरेट का। ठीक है, तो बहुत ही इंटरनल चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस लेवल पर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, हम लोग भी इंटरव्यू लेने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि सामने वाला जो बंदा है काम किया है कि नहीं किया है या रट के आया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पैकेज डॉजेशन फाइल और पैकेज लॉग डॉजेशन फाइल के क्या कंसेप्ट होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप बिल्कुल ही कॉरपोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉरपोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉरपोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है, पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हर्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है, ये सारे पेड होते हैं और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज़ करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपने सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है, जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया, तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा। वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा, लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आपको आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है, हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं किसी न किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है, जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर, आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।